खबर जनपद चमोली से है, जहां डाक विभाग द्वारा गोपेश्वर में पहली बार जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस जिला स्तरीय डाक प्रदर्शनी में विभिन्न स्कूलों के 700 से अधिक छात्राएं पहुंचे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत निदेशक डाक सेवा उत्तराखंड परिमंडल अनुसुईया प्रसाद चमोला और पीजी कॉलेज गोपेश्वर के प्राचार्य ने दीप प्रज्वलित करके की। इसी दौरान निदेशक के द्वारा डाक टिकटों की प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ ही गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर के विशेष आवरण का विमोचन भी किया गया। बता दें कि गोपेश्वर कॉलेज के जिम हॉल में यह आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इसी दौरान निदेशक डाक सेवा ने कहा कि छात्र छात्राओं सहित आमजन को इस प्रदर्शनी से डाक टिकटों के बारे में जानकारी मिल सकेगी, साथ ही साथ में डी टिकटों के संग्रहण को लेकर जागरूक हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। दिन में उत्कर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को डाक विभाग के द्वारा प्रस्तुत भी किया जाएगा। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। के बारे में जो है सभी को जानने का हक है, और चूंकि मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं, विशेषकर गोपेश्वर और जो चमोली मंडल के अन्य स्कूलों के बच्चे हैं, उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, तो हमें लगा कि जो है ये इस तरह की प्रदर्शनी को हमको जो है उत्तराखंड के सभी हिस्सों में जो है पहुंचाना चाहिए। इसीलिए हमने लास्ट ईयर जो है अल्मोड़ा में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था, और इस बार जो है हम चमोली को हमने इसके लिए चुना है। इसी प्रकार जो है अगले साल हम लोग पिथौरागढ़ को इसके चयनित करने में विचार कर रहे हैं, और इसी तरह से मतलब हम ये चाह रहे हैं कि उत्तराखंड का कोना कोना जो है फ्लैटी के बारे में जाने, और फ्लैटी की जो दुनिया है, और साथ में जो बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं, इससे जो नॉलेज उनको गेन होता है या फिर जो क्रिएटिविटी उनके अंदर पैदा होती है, तो ये इस चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह की प्रदर्शनी सर चमोली का आप भले